द न्यूज इंडिया के इस खास समाचार में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वक्त कौन सी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में मरते हुए बच्चों की संख्या अब विचलित करने लगी है, लेकिन सरकार है कि जो अभी तक कोई बड़े कदम नहीं उठा पाई है। बिहार में लगभग अब तक 70 बच्चों की जाने जा चुकी हैं। बिहार में एक दिमागी बीमारी नाम का बुखार फैल रहा है, जो कि लगातार बच्चों की जान ले रहा है। लगभग 15 दिन से ये सिलसिला तब से लगातार जारी है। एक एक करते ये आंकड़ा 70 पार पहुंच चुका है। अब स्थिति ये हो गई है कि बच्चों को बचाना बेहद जरूरी, क्योंकि ये बच्चों के मौत के साथ साथ परिवार के साथ भी खिलवाड़ है। परिवार बच्चों की मौत से विचलित है। वहीं अभी भी लगातार छोटे बच्चे इसकी आगोश में आ रहे हैं। बुखार पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। अब इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जाकर मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे और इस बीमारी पर क्या असर हो रहा है और क्या आंकड़े हैं जिसके चलते इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी, पूरी स्थिति की जानकारी लेंगे। दिमागी बुखार से हालात बिगड़ चुके हैं। लगातार समाचार के बावजूद भी जाने क्यों घटना को सरकार अनदेखा कर रही थी। लगातार अब तक 70 का आंकड़ा छूने लगा है ये दिमागी बुखार जान लेने में बच्चों के।